बुलडोजर बाबा बसे में बुलडोजर चलाएंगे, बसे में बुलडोजर नहीं चला सकते। वो तो बोले निपटा देंगे देवेंद्र फडणवीस जी ने। अरे निपटाने के दो, पब्लिक अभी बताए देगी कौन किसको निपटा रहा है। 4 जून को रिजल्ट दिख ही जाएगा। कहाँ घोड़ा मैदान दूर है, पास हमारा मर्द बैठा है ना वो हितेंद्र ठाकुर, उनको निपटाना खाने की बात नहीं है। एक दिन आएंगे, ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और ये 5 साल बाद आएंगे। अरे तो हम कौन से मुस्लिम है, कौन से अलग भाषा वाले हैं, हम भी तो हिंदू हैं। हिंदुत्ववादी का मतलब क्या है, जो हिंदुस्तान पे प्रेम करता है वो कोई मुस्लिम आदमी भी अगर हिंदुस्तान को मानता है तो हिंदुस्तान नहीं। जब उत्तर भारतीय लोगों को मुंबई में महाराष्ट्र में दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, जो छात्र एग्जाम देने आए थे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, तब ये बीजेपी वाले कहाँ हितेंद्र ठाकुर जी ने कभी भी भैया भगाओ, मतलब जो भैया भाग ये शब्द उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने भैया बोला होगा रिस्पेक्ट, जिस रिस्पेक्ट से हम लोग बोलते भैया जरा ये, उनसे हम लोगों की जो नस है ऐसी जुड़ी हुई है कि कोई तोड़ नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ नहीं, कोई भी आ जाए वो नस टूट नहीं सकता। मैं उस शख्स के साथ बैठा हूँ जो उत्तर भारतीयों के साथ चलने उठने बैठने वाला व्यक्ति है, बहुजन विकास अघाड़ी में लंबे समय से काम कर रहा है, यानी 1990 और अगर हम तब से बात करें तो कम नहीं होगा, छात्र जीवन से राजनीति में जुड़ा और बहुजन विकास अघाड़ी यानी हितेंद्र ठाकुर की पार्टी से लगातार बने रहे, लगातार पद पे रहे, कोई चुनाव हारे नहीं और लगातार उत्तर भारतीयों के साथ इनका अलग ही मजबूत संगठन रहा है। लेकिन ये एक ही पार्टी में क्यों जमे रहे, आखिर क्यों बहुजन विकास अघाड़ी से लंबे समय तक जुड़े रहे, इस पर हम बातचीत करते हैं। लेकिन ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन नालासोपारा में हो रहा है, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, 18 तारीख यानी आज आखिरी दिन है प्रचार का। इस पूरे विषय पर क्या योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर भारतीय एक तरफ मुड़कर बहुजन विकास अघाड़ी को पटकनी देने के लिए तैयार हो जाएगा, इस पर हम बातचीत करते हैं। भरत गुप्ता जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है, या योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद में उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीय एक तरफ महायुति की तरफ बहुजन विकास अघाड़ी शांत? ऐसा कदापि नहीं होगा। देखिए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका सम्मान है और उनका आगमन हम वेलकम करते हैं, लेकिन उनके आने से उत्तर भारतीय एक तरफा हो जाएंगे ये बात में कोई दम नहीं है। क्योंकि देखिए उनका जो गठबंधन है, जैसे उन सभी लोगों ने मन से सब लोगों ने सपोर्ट किया है, मुझे ये बताइए कि जब उत्तर भारतीय लोगों को मुंबई में महाराष्ट्र में दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, जो छात्र एग्जाम देने आए थे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, तब ये बीजेपी वाले कहाँ थे, तब ये लोग कहाँ थे? उस समय हमें सहारा, सुरक्षितता, संयम और शांति रखने का जो लीडरशिप थी वो हितेंद्र ठाकुर ने की थी। उस समय के जो गृहराज मंत्री थे कृपाशंकर सिंह, आज वो भारतीय जनता पार्टी में भी। हाँ, अच्छा, तो मतलब कृपाशंकर सिंह जी थे लेकिन उत्तर भारतीयों को पिटा मार 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 के भगाया। उस समय तो इधर कोई नहीं आया, कृपाशंकर सिंह बोलो या कोई भी इनके समर्थन के, भाई आप डरो मत हम बैठे हुए हैं। उल्टा विवाह कॉलेज के अंदर जितने परीक्षार्थी थे उनको हितेंद्र ठाकुर जी ने उत्तम व्यवस्था करके दी, उनको परीक्षा में एग्जाम में अटेंड होने के लिए दी, उनकी सब सुविधा की। इतना कौन करता है, जो एक दिन एग्जाम देने के लिए आता है उनकी सुविधा तक का ध्यान वो आदमी रखते हैं। तो यहाँ जितने भी उत्तर भारतीय हैं, आज मैं 1984 से यहाँ हूँ, 84 से ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, नगराध्यक्ष, परिवहन सभापति, प्रभाग समिति सभापति, विभिन्न पदों पे उन्होंने मुझे चांस दिया। मैं अकेला नहीं, सरिता दुबे जी है, टिकोसी शंकर जी हैं, टिकोरी मिश्रा जी हैं, बाद में सीताराम गुप्ता जी हैं, ऐसे न जाने कितने उत्तर भारतीय जिनको उन्होंने, सुरेंद्र सिंह जी हैं कि कितने लोगों को उन्होंने मदद की है, सहायता की, पद दिया है, सम्मान दिया है। कभी भी भैया भगाओ, मतलब जो भैया भाग ये शब्द उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने भैया बोला होगा रिस्पेक्ट, जिस रिस्पेक्ट से हम लोग बोलते भैया जरा ये, भैया जरा ये कर लिया, भैया जरा वो कर लिया, इस तरीके की जो हम लोग करते हैं, भैया हम जब बोलते हैं तो हम रिस्पेक्ट रहता है, वो रिस्पेक्ट वो हमेशा रखते हैं। यानी यहाँ पर उनसे हम लोगों की जो नस है ऐसी जुड़ी हुई है कि कोई तोड़ नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ नहीं, कोई भी आ जाए वो नस टूट नहीं सकती। 365 बनाम एक दिन,
अब एक दिन आएंगे, ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और ये 5 साल बाद आएंगे, दिखेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ लोग कहते हैं ठीक है, उनको सुनने जाना, समझने जाना, वो अपनी अलग, वो कहते हैं हिंदुत्ववादी। और अरे तो हम कौन से मुस्लिम हैं, कौन से अलग भाषा वाले हैं, हम भी तो हिंदू हैं। हिंदुत्ववादी का मतलब क्या है, जो हिंदुस्तान पे प्रेम करता है वो नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं वो हिंदुत्व नहीं, जो हिंदू में हिंदुस्तान को मानता है वो हिंदुवादी है। बाकी कोई मुस्लिम आदमी भी अगर हिंदुस्तान को मानता है तो हिंदुस्तानी। कल से एक टीजर चल रहा है, और साथ साथ कई सारे पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं कि बुलडोजर बाबा आएंगे, और यहाँ पर जो कल 17 तारीख को भाषण हुआ हितेंद्र ठाकुर का, उस भाषण को कोलैप्स कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या, बुलडोजर बाबा बसे में बुलडोजर चलाएंगे? बसे में बुलडोजर नहीं चला सकते, तो बोले निपटा देंगे देवेंद्र फडणवीस जी ने। अरे निपटाने के दो, पब्लिक अभी बताई देगी कौन किसको निपटा रहा है। हमारे हितेंद्र ठाकुर जी बोले ना कि वैसे लोग बताएंगे, जनता बताएगी कि कौन किसको निपटा रहा है। ये तो ठीक है उनकी भाषा में, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे वो तो जुमला था, तो बाद में वो जुमला में कन्वर्ट होने वाला है, ये कोई पक्की बात नहीं है। निपटाने वाले यानी निपटाने पे आएंगे तो अब निपटा कैसे आएंगे, हम भी तो कोई ऐसे बैठे हैं, हमारा मर्द बैठा है ना वो हितेंद्र ठाकुर। अच्छा। उनको निपटाना खाने की बात नहीं है, हल्की बात नहीं है, वो आदमी सबको निपटाने की ताकत रखने वाला। अच्छा। तो मतलब यानी वसई पे नजर डालोगे, निपटाने की बात मतलब उसको अलग अर्थ मत लीजिए, वसई पे निपटाने वाली बात आएगी तो शांत नहीं बैठेंगे। तो वसई वाले कहाँ शांत बैठेंगे, वो तो ठीक है उनके साथ पूरी वसई जुड़ेगी, पूरे वसई उनके साथ में है। तो योगी आदित्यनाथ के आने से उत्तर भारतीय एक तरफ हो जाएंगे और लोकसभा चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ेगा, ये बात जो कही जा रही है सरासर गलत है, झूठ है, अफवाह है, इसमें कोई दम नहीं है बात में। देख लीजिए 4 जून को रिजल्ट दिख ही जाएगा, कहाँ घोड़ा मैदान दूर है, पास में है। अच्छा, कितने कामकाज हैं जो उत्तर भारतीयों के लिए किए गए हैं, क्या लगता है ऐसे ही वोट मिल जाएगा आपको? मैं, अरे भाई मेरे देखो, आज मैं ऐसे ऐसे उत्तर भारतीयों को जानता हूँ कि जिनका फेरी का धंधा है, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं चलो अभी दिखाता हूँ। जो फेरी वाले हैं उनके लड़के US में पढ़ रहे हैं, कैनेडा में पढ़ रहे हैं, परदेश में पढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं, और वो 20-25-40 साल से यहाँ रोजी रोटी कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का सहारा हम लोग हैं, उनके जीवन का सहारा हम लोग हैं, जीवन वाहिनी जो बोलते हैं, संरक्षण देते हैं, संरक्षण देते हैं। तो वो जिसका बच्चा मान लो यहाँ रोजी रोटी करके मज कमा के, और हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, सहायता ही सहायता है, तो ऐसे लोग आज कितने लोगों, कम से कम 25 बच्चे मैं आपको गिना दूंगा कि जो आज परदेश में जाके हायर एजुकेशन ले रहे, भले उसका, अरे वो तो जाने दो, एक सफरचंद बेचने वाला है, एप्पल बेचने वाला है, आप यकीन नहीं मानोगे, आप बाद में इंटरव्यू दिलाऊंगा, वो भोजपुरी तीसरी फिल्म निकाल रहा है। आप सोचिए इनको कितना सक्षम बनाया वो, तो कहते हैं राम मंदिर बनाया, हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदू, भाई मेरे आदमी, इसलिए वोट, हम आदमी को सक्षम बना रहे हैं, व्यक्ति को सक्षम बना रहे हैं बाय ऑल मीन्स, उनको पढ़ाई से लेके, खान पीन से लेके, रहन सहन से लेके। आज मेरे बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में चौथे पांचवे माले पे सब्जी वाला रह रहा है, इस बिल्डिंग में। अब आप सोचिए, सक्षम बनाने में, सशक्तिकरण करने में, सक्षम बनाने में उनके कोई भी पीड़ा दर्द में हम लोग खड़े रहते 24 घंटा। तो ये बाहर से आए, अब मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आएगा, एक 10 मिनट के लिए मेहमान आएगा, आप उसकी बात सुन लोगे, और घर का जो व्यक्ति बैठा है तो घर में जो बैठा है उसी को सुनोगे ना, तो ऐसी बातें हैं। तो यानी या एक दिन के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वोटिंग एक तरफ उत्तर भारतीयों का हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है? अरे भाई मेरे देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है ना कि हर घर में राजनीति का खून दौड़ता है, उनके रग रग में राजनीति है, और बड़े होशियार लोग, कोई ना समझ अनाड़ी लाग नहीं है, वो ठीक है कम पढ़े लिखे होंगे, हल्के रोजगार के होंगे, लेकिन बुद्धि में राजनीति के बारे में उनके जैसा शार्प दूसरा कोई है नहीं, और उन्हें अच्छी तरह पता है कि किसको वोट देना है। किसी के बहकावे में आकर वोट देने वाले उत्तर भारतीय न कभी थे, न रहेंगे, न भविष्य में कभी रहेंगे। अभी गांव में चरवाहा होता है तो जैसे गाय गोरू निकल जाती है उनके इशारे पे, तो क्योंकि वो जानवर होते हैं, उत्तर भारतीय जानवर नहीं, इंसान है, समझदार इंसान है, इसलिए किसी बड़े नेता के आने से जाने से
वो किसी तरफ दिशा बदलेंगे ये वाकई कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं खुद होशियार हैं। उनको पता है कि हमें किसके साथ रहना है, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ निभाना है, किसके साथ रहना है वो अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए धन्यवाद। ये थे भरत गुप्ता। इनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ के आगमन से उनका सम्मान है, लेकिन उससे वोट कन्वर्ट हो जाएगा, वोट उनको मिल जाएगा, ऐसा कहना इनका नहीं। इनका कहना है कि वोट मिलेगा उसको जो स्थानिक है, लंबे समय से उत्तर भारतीयों का संरक्षण, उनको संरक्षण दे रहा है, उनको काम कर रहा है, सशक्तिकरण कर रहा है। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद उनके संबोधन में क्या कुछ निकल कर आता है, और क्या वाकई जो कहा जा रहा है उत्तर भारतीय एक तरफ उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ये सत्य होगा या असत्य। 4 जून का इंतज़ार, लेकिन 20 मई का वोटिंग का दिन। सबको जाइए, वोट जरूर करिए। आज के लिए इतना।